अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अपने तमाम दोस्त और अजीज तलबा का, तमाम नए आने वाले मेंबर्स का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ, और खुसूसन उन तमाम दोस्त और अजीज तलबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर वन क्लास नाइन मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.6 की थी, जिसमें हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस किया था, इन्वर्शन मेथड को। आज हम उसी एक्सरसाइज का एक बहुत अहम टॉपिक है, क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर का कानून क्या है, क्रैमर रूल क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये नहायत ही अहम टॉपिक है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि बकिया पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का वही फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था। आज हम इसको क्रैमर्स रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्रैमर का कानून ये क्या है, इसका क्या तरीकेकार है। सबसे पहले हम इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कल भी आपको बताया था एक्स और वाई के बगैर आपने इनको लिख देना है, टू माइनस टू थ्री टू, जी ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। फिर एक्स वाई को हमने साइड अलग कर लेना है और इक्वल पे जो दूसरी तरफ है उनको भी हमने ऐसे ही लिखते हैं। अब अपन देखिए अगर लेट करना है ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है टू माइनस टू थ्री टू, ये हमारा एक्स के इक्वल है, एक्स वाई ये हमारा बी के इक्वल है, और सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं लेकिन मजीद फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस टू इंटू थ्री, तो टू टू जा फोर, माइनस टू थ्री जा सिक्स, तो फोर प्लस सिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, टेन। ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, टेन। एक बार याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में चाहे इनर्शन मेथड है चाहे क्रैमर, आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट डिफाइन करना। अगर कोई डिटरमिनेंट आ जाए जीरो तो मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते नेक्स्ट। तो अगर कुछ ना कुछ आंस आ जाए फिर उसका पॉसिबल है कि हम उसका मजीद सोल्यूशन फाइंड करें। तो हमारे पास अभी आ गया ए का डिटरमिनेंट। अब हमने एक मैट्रिक्स लिखना है ए एक्स, क्या लिखना है ए एक्स। ए एक्स के अंदर आपने क्या याद रखना है, ए एक्स में ये जो एक्स की दो वैल्यू है इनको आपने नहीं लिखना, इनकी जगह जो दूसरी तरफ है वो लिखनी है, फोर सिक्स और सात वाई वाली वैसे ये हमने लिख लिया ए एक्स। अब इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई माइनस बाकी दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा फोर टू द एट, सिक्स टू द ट्वेल्व, तो एट प्लस ट्वेल्व ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ट्वेंटी। ठीक है, इसी तरह हम ए वाई लिखेंगे, ए वाई में हमने क्या करना है, ए वाई में हमने ये वाई वाली जो वैल्यू है ये वाली इनको हमने नहीं लिखना, एक्स वाली वैसे लिखेंगे, इनकी जगह जो दूसरी तरफ है इक्वल के ये वाली ये लिखेंगे हम। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई टू इंटू सिक्स माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो टू सिक्स ट्वेल्व, फोर थ्री ट्वेल्व, आंसर क्या आ गया जीरो। ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया जीरो। अब हमने यूज करना क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट जी। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है ट्वेंटी, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास है टेन,
इसको कैंसिल करेंगे x का आंसर आ गया 2। इसी तरह y फाइंड करेंगे, a y का डिटरमिनेंट ऊपर आएगा तो नीचे a का डिटरमिनेंट, a y का डिटरमिनेंट हमारे पास आया 0 और y a का डिटरमिनेंट 10 है तो y का आंसर आ गया हमारे पास 0। ये हमारे पास और x और y की वैल्यू आ गई है। कि ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही अहम और बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी पार्ट को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है ग्रामर रूल से, अभी हम इसका पॉइंट नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद आपकी बात क्लियर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 हमारे पास दिया है 3x-2y = 4 - 6x + 4y = 7। इसको भी आपने पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास क्या आएगा 3 - 2 - 6 - 4, एक्स वाई सेट पे हो जाएगा और 4 7 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले वही करेंगे हम, लेट करेंगे, ये आपके पास a की इक्वल है, ये हमारे पास x इक्वल है, ये हमारे पास b के इक्वल है, ठीक है। हमने क्या करना था, सबसे पहले a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो जब इसका डिटरमिनेंट दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 4 - 2 6 तो आंसर क्या आ गया 0। ये हमारे पास आ गया a का डिटरमिनेंट 0। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो इतना मैंने सॉल्व किया है ये आप इन्वर्सन मेथड से भी इतना सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी, इतना तो आपने करना ही करना है। अगर तो इसका डिटरमिनेंट 0 तो नेक्स्ट तो आपने लिखना क्या, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आपने लिख देना है, सिंस a इज सिंगुलर तो सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, तो नेक्स्ट आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड ही नहीं करना, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे इन्वर्शन मेथड हो चाहे क्रैमर रूल हो। तो आपका जे भी पॉइंट जो था क्लियर हो गया होगा, फिर भी इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह रिव्यू सेट करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।